हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉलेज ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है ये एक पवित्र स्थल और संस्कृति से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आज का ब्लॉग क्या है। आज का जो ब्लॉग है वो हमारे पूर्णिमा में जो गंगा स्नान होता है और मलमास भी साथ में ख़त्म हुआ है, उसी पे ब्लॉग है। तो मैं आपको गंगा माँ का दर्शन कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप भीड़ कितना लग रहा है। आज बहुत भीड़ होगा, वहाँ पर वीडियो बनाने में दिक्कत भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहीं से भीड़ चालू है। इससे पहले भी भीड़ था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। देखिए आगे कितना भीड़ इकट्ठा हो गया, बहुत गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, अपने मन्नत को रखते हैं, गंगा माँ से मन्नत मांग के जाते हैं और स्नान करके भी जाते हैं। दोस्तों चलिए आपको मैं डायरेक्ट, देखिए वहाँ पे भूतपूर्व मंत्री प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का दरवाजे पर पहुँचने वाले हैं, तो मैं जूम करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब दिख रहा होगा उसे पास लोग की दूरी है। चलिए आपको डायरेक्ट मैं आप गंगा जी के स्थान पर लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ भी बहुत है। कोरोना के महामारी में भी इस पवित्र स्थल पे आना नहीं छोड़े लोग। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पे उनका स्टैचू भी बनाया गया है जो लालू प्रसाद यादव के राज्य में बनाया गया था। देखिए हमें गंगा जी के पास पहुँचने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वहीं पर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अब देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे भीड़ है, तो और लास्ट में जो आप मानचित्र देख रहे होंगे वहीं पे हमारा पवित्र स्थान है। देखिए कितना भीड़ है, यहाँ पे मेला की तरह लग गया है पूरा। दुर्गा उपवास के दिन ही आज चालू है, मलमास भी लगा है, पूर्णिमा भी खत्म हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत भीड़ है, और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक मानचित्र की तरह, वही हमारा। फाइनली दोस्तों हम पवित्र स्थल पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गंगा जी का दृश्य दिखाता हूँ, कितना भीड़ है। देखिए दोस्तों कितना भीड़ है यहाँ पे, पूरा गंगा जी आज फुल रहेंगे। लगभग ये करीबन 3 बजे तक यहाँ पे भीड़ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे घर से यहाँ ये गंगा जी करीबन 1600 मीटर की दूरी पर ही है, और ये हमारे चौक पे है। मतलब इस चौक का नाम बुलगानी चौक रखा गया है हमारे विधायक जी के नाम पर। तो दोस्तों देखिए ये, और उधर देखिए दोस्तों, सूखा हुआ कुछ दिन पहले ये पूरा फूल था गंगा जी, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा कि कुछ ही दूर पे पानी लगा हुआ है और बाकी सब सूखा पड़ा है। ये यहाँ का दूसरा पवित्र स्थल है हमारे गांव का। पहले थे हमारे निरंजन स्वामी जी का गहबर, और आज ये मैं गंगा जी के पवित्र स्थल का ब्लॉग बना रहा हूँ। दोस्तों आपने जैसे देखा यहाँ पे आज एक मेला की तरह भीड़ लग चुका है, और तरह तरह को आवाज़ें सुनने को भी मिल रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा काम जो हो गया है और हम अब राखी और निकलेंगे। Thank you.
काली माता का मंदिर और वो भोलेनाथ का शिवलिंग, पीपल का पेड़, उसके पीछे जो है आश्रम बनाया हुआ।